जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर हम बॉलीवुड कपल की बात करें तो सबके जहन में कुछ नाम सबसे ऊपर आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, अक्षय कुमार और ट्विंकल। उनमें से एक नाम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का भी है। साल 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। शादी के 4 साल बाद 2011 में अभिषेक और ऐश्वर्या की एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन अपनी बेटी का नाम सोचने में ऐश्वर्या और अभिषेक ने 4 महीने लगा दिए। दरअसल ऐश्वर्या अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करती हैं कि क्यों उन्होंने इतना समय लगा दिया। इंटरव्यू में ऐश्वर्या सबसे पहले अपनी बेटी आराध्या के नाम का मतलब बताती हैं। ऐश्वर्या कहती हैं कि आराध्या का मतलब होता है पूजा और योग्य। उसके बाद ऐश्वर्या कहती हैं कि जब आपको बेबी होता है वो समय बहुत तेजी से बीत जाता है और आपको पता नहीं चलता, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि 4 महीने बीत गए हैं। बेटी आराध्या के होने के बाद मुझे पता चला कि टाइम काफ़ी लग्जरी है, लेकिन मैंने और अभिषेक ने ये नाम काफ़ी पहले से सोच रखा था। वहीं अगर हम इस बात को दूसरे नज़रिए से देखें, हमारे बॉलीवुड के स्टार्स की लाइफ आम जनता की लाइफ से काफ़ी अलग होती है। हमारे सुपरस्टार हमेशा से ही कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बेटी का नाम रखने में समय लगना तो लाजमी था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभिषेक और ऐश्वर्या काफ़ी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिसमें धूम 2, कुछ ना कहो, उमराव जान शामिल है। इससे ये साबित होता है कि शुरुआत से ही दोनों की जोड़ी हिट रही है। तो आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से। धन्यवाद।